वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप करता हूं बहुत अच्छे होंगे। कितना कैमरा हिलाता है यार, कितना कैमरा हिलाता है। सो गाइस, अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है। ठंड के साथ और आज मेरे ठंड वाले अपना ट्रैक सूट भी पहना है। मैंने भी ठंड वाला नाइट सूट पहना है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं बेचारा बच्चा अभी हाफ टी-शर्ट पहन के जा रहा हूं। पनिशमेंट मिल जाएगी ना, तेरी विंटर यूनिफॉर्म स्टार्ट नहीं होगी। 1 नवंबर से स्टार्ट है मेरी यूनिफॉर्म विंटर वाली। आज है वेडनेसडे, जब पूजा जा रहा है स्कूल, मैं और डुगु जा रही है सदर शॉपिंग करने कंजकों के लिए। यस, मेरे लिए भी लाना कुछ। कांटे लाऊंगी, चल तू, इम्पोर्टेंट नहीं है कंजके, इम्पोर्टेंट है। चल उधर। सो अभी छोड़ दिया है जप्पू को स्कूल। गुड मॉर्निंग डुगू। गुड मॉर्निंग। आज तो हम दोनों ने विंटर के नाइट सूट पहन लिए। डुगू ने ट्रैक सूट पहना है और मैंने भी विंटर वाला नाइट सूट पहना है। यो, सूर्य देव भगवान हमारी आंखों में आ रहे हैं सुबह सुबह। हम दोनों जा रहे हैं सदर कंजको की शॉपिंग करने। और जा रहे हैं बिल्कुल गाड़ी पे। ओ, गाड़ी पे कह रहा हूँ, बुलेट पे। आज गाड़ी पे नहीं जा रहे हैं, आज हम बुलेट पे जा रहे हैं। माइक भी लगा रखा, तभी तो मैं ऐसे करके बोल रहा था कि क्लियर आवाज आए, ताकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए हम लोगों ने माइक लगाए हैं। पर उसके बाद भी थोड़ी बहुत रोड का शोर तो आता ही है, ट्रैफिक का। नेट को थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना यार, है ना। अभी हम दोनों निकल गए हैं, जप्पू को छोड़ दिया स्कूल। आलू पूड़ी लेके गया वो कल, यार इतने यम्मी आलू बने थे ना, खत्म ही हो गए सही में। Yes. अगर बच्चे होते ना तो पक्का हम अभी भी ब्रेकफास्ट आलू पूड़ी करने वाले थे, पर चलो कोई नहीं, अभी निकल गए हैं। देखते हैं पूरा दिन पड़ा क्या क्या करेंगे, सब कुछ आपके साथ शेयर होगा व्लॉग में। तो अभी आ चुके हैं हम यहाँ पे सदर बाजार, और सुबह सुबह देखो कितना रश हो रखा है। तो ये वाली पूरी मार्केट है, यहाँ से पूरे कंजकों का यहाँ पे सामान मिलता है। तो अभी देख रही है हम क्या लेते क्या नहीं लेती। ये फोटो फ्रेम लेने हैं, ये लेने हैं, पागल हो क्या, लेने हैं, अच्छे लग रहे हैं ये भी। हर बार मैं ये पेंसिल देती हूँ। तो क्या हुआ, हर बार पेंसिल देती है तो वो ले लो। बच्चों को ये दिया जाता है, ये भी अच्छा लग रहा है। ये रबर, हाँ चलो आगे देखो। तो जैसे जैसे अंदर जाए जा रहे हैं वैसे वैसे रश है यहाँ पे पूरा। यहाँ पे सुबह शुरुआत हो चुकी है अब लिफाफों की। ये वाले लिए। तो यहाँ पे सब सामान मिलेगा यार। वो लेने गुड़िया के स्टील वुल और स्कॉच ब्राइट, यहीं से ले लूं। अभी वापसी जाते हुए ले लेना ना, इसी रोड से जाना ना। तो पूरी लास्ट तक अर्जुन लेके जाएगी, उसके बाद फिर लेगी कुछ ना भी। तो पूरी मार्केट में यहाँ पे सिर्फ यही दिख रहा है, ये चीज हर जगह पे यही है। ये हो गया। तो अब लेने हैं यहाँ पे स्टील वूल। ये कितने के हैं भैया? 60 रुपए का पैकेट, आगे वाला 70 रुपए का पैकेट। तो अब अपनी सिस्टर को हरलीन ने फोन किया है पूछने के लिए कौन सा लाना है कौन सा नहीं लाना है, और देखते हैं फोन उठाते नहीं उठाते। मैंने तो यही बोला वो फोन नहीं उठाएंगे, नहीं उठाया ना। ये वाला कितने का है? चेंज नहीं होएगा, पहले पता कर लो, फिर यहाँ पे चेंज कराने आना पड़े। हाँ, चेंज कुछ नहीं होगा भाई, मैं वही बोल रहा हूँ इनको, चेंज नहीं होएगा। चलो। तो यहाँ पे ले लिया स्कॉच ब्राइट हरलीन ने, और भैया कहते हैं अगर वीडियो बनाओगे तो तुम्हें माल ही नहीं देंगे ना, क्योंकि यहाँ फिर लोग ना रेट खराब कर देते हैं इस चक्कर में। मुझे पता क्या डर लग रहा था, क्या कि कहीं आप लड़ने ही ना लग जाओ। लड़ूंगा भाई इससे, उसकी मर्जी, दुकानदार है, वो मना करे तो ठीक है। ये पिंच ली है मैंने, 10 रुपए का पैकेट, एक दो पैकेट लिए 20 रुपए के। तो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो संतरों को नंगा कर दिया, ये भी सही लग रहे हैं। एक ये दे दो, ये वाली बॉक्स भी लिया हमने, पहले हम यहीं से गए हैं डुगू, हम यहाँ से कुछ नहीं लिया। तुम पागल थे ना जो टाइम वेस्ट करा रहे थे। अब निकल चुके हैं सदर से, ले लिया बहुत सारा सामान, कुछ सामान हरलीन के पास भी है, और रश बहुत ज़्यादा है, तो हमने ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं है। अब मिलते हैं आपको घर जाकर। तो बुलेट के स्टैंड टूट चुका था और बुलेट गिर गई थी, है ना हरलीन? डुगू ने ना बुलेट खड़ी करी, बुलेट गिर गई नीचे, क्योंकि स्टैंड टूट गया। अब यहाँ पे आए उसके वेल्डिंग करवाने। तो अभी घर पे आ गए हम लोग, डुगू लगे हुए अपने फोन में व्लॉग अपलोड कर रहे हो। यो सिंगाड़े लेके आए हैं, हम दोनों बैठ के अभी सिंगाड़े खाएंगे, फिर 10 मिनट के बाद मैं नहाने जाऊंगी, ठीक है? यो आप ब्रश कराओ जाके, जा रहे हो?
क्या ब्रश करने यो क्या है ये यो तो अभी आप कहोगे ये क्या हो गया एकदम से ये देख रही है मार रही है मेरे को तभी नहा धो के हो चुको मैं रेडी वेनेसडे वाले दिन हुआ यू कि मैं बैठा हुआ था आराम से तो एकदम ही फोन आ गया शोरूम से मेरे वीर जी का कह रहे शिंकु यार मार्केट पूरी खुली हुई है क्योंकि अब दिवाली का सीजन है ना तो फिर मैं क्या फिर बताओ कह रहे फिर बता क्या करना है अब मैं भी खा लेता सुबह सुबह तो मैं सदर से हो आया हूँ मैंने आज सारा दिन रेस्ट करना था और शाम को जाना था मैंने एक झूले झूले दिलाने के लिए जाना मैंने शाम को ही था 6-7 बजे तो वो कहता 3 बजे शोरूम खोल ले तो देख ले फिर मैं क्या चलो कोई बात नहीं इसी बहाने में तैयार भी हो जाऊँगा तो 3 बजे अब शोरूम खोल लेंगे 6-7 बजे मैं बढ़वा दूंगा शोरूम तो फिर तब तक तैयार होके तब तक इसका घर का काम हो जाएगा मेरा भी हो जाएगा लंच अब ये कराने लगी है सुबह से अब देखो 1:30 बज गए हैं सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया सिर्फ थोड़े बहुत अब शिंगाड़े खाए हैं आज हमारा व्रत हो गया तो अभी हम जाएंगे जप्पू को लेके लंच करूंगा और जप्पू के कपड़े भी ले लेंगे अगर जप्पू चलना चाहेगा मेरे साथ मेरे ऑफिस तो वहां चल लेगा नहीं तो घर पे आ जाएगा दोबारा सब कुछ ले लिया तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस और बाकी की हरलीन कंटिन्यू करेगी तो बन गए शहनशाह और मुझे देख लो क्या बनवा के घूम रहे हो सुबह से तो मैं नहाने धोने का ही नहीं पता अब मैंने कहा फिर मैं घर पे काम करके एक ही बार ही नहा लूंगी हेलो गाइस हैं पगड़ी हाथों से आप नहीं नहीं ऑफिस सही में ऑफिस से फोन आ गया पापा सच्ची में ऑफिस जा रहे हैं जप्पू क्या कह रहा है क्या बोलेगा तू बता जप्पू कह रहा मैं आपके 1:30 बजे ऑफिस में बुला लिया डेढ़ नहीं 3 बजे बुलाया 3 बजे बुलाया 3 बजे क्या करेंगे 3 बजे बुलाया वो भी मत बुलाते जब वो सड़ रहा है फिर एक ऑप्शन तो तेरे को मैं तो मेरे साथ चल ले नहीं चल ले गर्मी है वहाँ पे ठंड होगी अब तेरी टैब ले चलियो साथ में पापा तो तेरे कपड़े वपड़े टैब सूट शूज वगैरह सब निशा दीदी के घर रखवा के आए हैं कि जब वो तैयार करके लेके जाऊंगा वो भी कर रहेगी मेरे को भी ले चलो तो यहाँ पे अभी हमने रोटी खा ली है सारी और अब खा रहे गुलाब जामुन तो वो दिखाना रह गया था है ना मैं रोटी का क्या दिखाना गुलाब जामुन देख लो हो गया था पापा साथ जाने के लिए लेके नहीं जा रहे yes. पापा का मूड ही नहीं है मेरे को लेके जाने का मैं पापा मेरे को आप दिखिए कैब छोड़ के जाएगा तो वो बेचारा बच्चा वहाँ बैठ के क्या करेगा फर्नीचर बेचेगा क्या आप सर जी आला सर जी 55,000 सर जी ले लो सर जी बढ़िया डिस्काउंट लगा 20% आ जाएगा सर जी आ जाओ आ जाओ चल मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं तो अंदर जा रहा हूँ बाय 6 बजे ना आए ना तो देखना पता मैनू पता जेडे 6 बजे आना मैं जानती हूँ फिर वेंचडे क्या ही था डेली रूटीन ही होगी थी एक है ना अब जा रहे हैं यस अभी हम अब घूमने जा रहे हैं कहाँ जाएंगे अब हम मुझे कुछ नहीं पता नहीं पता आपको फिर भी कुछ अंदाजा और पूरे 6 बजे पे तो नहीं आया पापा अच्छा 6:10 पे आया 10 पे तो 6 बजे मैंने पढ़वा दिया था शोरूम 10 मिनट आगे हो तो क्या हुआ क्या हुआ राउंड मार ले फिर उसके बाद घर नहीं क्या नहीं 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 क्यों नहीं पापा हेलो गाइस हेलो गाइस फॉलो कर लो गुड मॉर्निंग गुड नाइट गुड इवनिंग हो रही है नहीं दिया गुड इवनिंग अगर गुड इवनिंग
तो अभी आ गए यहाँ पे मेले में। तो यहाँ पे भी खाली पड़ा हुआ सारा, अभी इतना रश नहीं है यहाँ पे। और मेले में हम गए थे वहाँ रश थे, लगता है लोगों को भी पता नहीं है यहाँ पे। तो ये है लोकेशन रजौरी गार्डन की। तो अभी आए हैं उसके साथ वाली जगह पे, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ भी रश नहीं था। अभी ये लोकेशन भी इसकी अच्छी लग रही है, तो अंदर चल के देखते हैं अभी। तो इसकी एंट्री भी अच्छी है, पूरा चेक करके यहाँ से भेजेंगे। और वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था सिस्टर। तो ये देखें यहाँ पर सही रौनक लगी हुई है बिल्कुल, और वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। ये रामलीला का बना हुआ सामने। तो हरलीन ये कोलंबस कह रही है लेने के लिए टिकट है 100 रुपीज। और अभी मैं झूठ मूठ बोलूंगा मैं भी लूंगा, देख लो मना कर देगी। हरलीन ये कोलंबस लेना तुमने, कौन सा वाला, वो जो पूरा राउंड हो जाता है, हवा निकल जाएगी तुम्हारी, कौन सा ये लेना जल्दी बताओ। अच्छा बोल हरलीन, 100 रुपीज की एक टिकट है, मैं भी लूंगा, हम तीनों लेंगे, 300 रुपये दोगी, चलो फिर आओ। तो अरलीन ये वाला कह रही है लेने के लिए, नहीं मैंने लेना, मैं मजाक कर रहा था, नहीं मैंने नहीं लेना, नो। जब ये जप्पू छोड़ा था हम इसको दिलाते थे, अब तो जप्पू को अलाउड ही नहीं करेंगे। छोटे होते हमने ये झूले, पता नहीं झूले, ध्यान नहीं मुझे, लेकिन अब मेरा दिल करता है तो अब ये मुझे झूलने नहीं देते भैया, है ना। ये मेरा बहुत दिल करता है अंदर जाने का। जब वो भूत बंगला चले, मैं एक बार ही गया था इस चीज़ के लिए। जब वो भी कहने के मैं आ तो गई हूँ झूले लेने, पर मेरा दिल ना ऐसे ऐसे हो रहा है। चाहो चाहो चाहो, रुको आप भी चलो ना, मैं सब ले रही हूँ, कुछ नहीं होता, चलो ना यार, चलो मजा आएगा। तो अभी हरलीन और ये दोनों जा रहे हैं, और मेरे को अभी से इतना डर लग रहा है कोलंबस में, कितना ऊपर जा रही है। अब जप्पू मेरे को डर लग रहा है, ये देखो जप्पू कैसे खींची जा रहा है। तो अभी जा रहे हैं अंदर, देखते हैं अब क्या होता है। मैं छोटे तो लेता था पर बड़े कभी नहीं लिया मैंने, डर लगता है मेरे को देखने में ही। तो अभी मैं बैठ चुका हूँ बीच में, ये देखो पीछे कितना बड़ा है। भैया कह रहे डर लगता है बीच में बैठो, मैं क्या मैं बीच में बैठ जाऊंगा अर्ली, तो यहाँ पे देखो सब डर रहे हैं। तो जाकर तो लास्ट में बैठ दो फिर, और अभी मैं इनकी शक्लें भी दिखाऊंगा। ये देखो पीछे कितना है, वहां से पीछे कितना है, मैं यहाँ बैठा बीच में, मैं देखूंगा ही नहीं सामने, कैमरे में देखूंगा तुम्हारी शक्ल पर। तो जप्पू को देखो कह रहा पूरे स्पीड में चला, तो मैं तो टेढ़ा होकर बैठ गया। और ये पीछे देखो लड़कियां भी बैठ गई हैं, और आगे भी पूरा बैठी है। तो देखते हैं हरलीन बना रही है अभी रील, और अभी हरलीन की शक्ल देखना। तो और पब्लिक आई जा रही है साथ के साथ, ऊपर बैठे हैं भाई, हिम्मत है इनकी जो ऊपर बैठे हैं बिल्कुल लास्ट में। मैं तो बिल्कुल आगे से एंटर करते यही बैठ गया, यहाँ डर कम लगे है ना, नहीं पर कम लगेगा यहाँ पे। बेटे मैं छोटा बैठा, तेर से भी जब बड़ा था तब भी बैठता था, पर मुझे डर लगता है। मैं क्या शादी के बाद मैं पहली बार बैठ रहा हूँ अली, यस फिर चालू हो गया जब मेरे को तार जब्बू जब्बू चालू हो गया जब्बू 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 चालू हो गया नहीं जब्बू चालू हो गया जप्पू डर लग रहा है बहुत ज्यादा। अरलीन को देखो रील पर आके बस, ओए मम्मी नो नो
नो नो नो नो सही में मेरी हालत खराब हो गई, मुझे पता कितनी मुश्किल से मैं आया, मेरे आंखें बंद कर ली, बहुत डर लगने लगे थे मेरे को। अब नहीं आऊंगा मैं कभी भी झूले में, तुम्हारे चक्कर में बहुत बड़ा झूला कर दिया, बहुत बड़ी गलती होगी, अब नहीं आऊंगा। चलो यार सो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं वापसी मेले से, कुछ खाया नहीं हमने वहाँ पे, मेरे को कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था वहाँ पे ना। डुगू डुगू की शक्ल देखने वाली थी, आपने इतना जुलूस घुमाया ना अपना, सब देख देख के हंस रहे थे आपको, तुमने जबरदस्ती बिठा दिया मेरे को, पता मेरा अभी भी घबराहट हो रही है। मम्मा मम्मा भैया रोको, पापा नहीं और तेज नहीं उतर के पापा ने रिकॉर्डिंग कर दी, पापा खुद ही देखने वाला सीन था, सही में देखने वाला सीन था। डुगू लड़ाई होगी पीछे पीछे, लड़ाई डुगू का सिर चक्कर आ रहा है। क्या पी रहे हो? मैंगो शेक पी रहे हो आप? मैंगो शेक तो कितना यम्मी लग रहा है यार, चक्कल ची अच्छा, एनर्जी लॉस्ट हो गई झूले लेके ना, है ना। सो गाइस अभी ना हम लोग यहाँ पे चाप खाने आए थे, और यहाँ पे मंदिर है, तो जैसे नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो माता रानी के भजन हो रहे हैं अंदर बहुत ही अच्छे, मे भी जागरण हो रहा है, इतना ज़्यादा आनंद आ रहा है ना बाहर से ही, मेरा बड़ा मन हो रहा है, मैंने कहा डुगू चलो चलते हैं अंदर, तो अभी अंदर जा रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को वैसे भी ना जागरण बहुत पसंद है, तो हम जा रहे हैं अंदर। Thank you.
कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटा नारी का, अरे सच्चा पागल वही है जो पागल बाकी नारी का, जो पागल बाकी कि जाप पर जाप पीने से क्या फायदा, रात भर का नशा सुबह उतर जाएगा, अरे पीनी है तो शाम के नैनों से पी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, मुहारे के सहारे की शाम प्यारे की हो, काली ही कमली वाला मेरा यार है, 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 मेरा यार है।
आते नाते जवाब अब उनके सलाम आने लगे हैं और मेरा जरा सा वक्त क्या बदला मेरे नींद पर भी आम आने लगे। Yeah.
और ना मतलब मैंने ना शादी के वैसे घूमते घूमते हम लोग खाने पीने गए थे, लोग तो जा भी नहीं रहे थे क्योंकि उनका मन ही नहीं था, घर से चिड़चिड़ कर रहे थे। पर बात पता ही होती है, माता रानी का बुलावा होगा तो आप जाओगे ही जाओगे। माता रानी का बुलावा था तो हम खुद पैदल चल के चले गए अपने आप। और सीरियसली बता रही हूँ, इतना आनंद आया ना, इतना मैं आपको बता नहीं सकती कसम से। मुझे वैसे भी ना जागरण और कीर्तन इतने ज़्यादा पसंद है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब शादी से पहले भी ना मैं खुद भी कीर्तन करती थी, अभी तो खैर बच्चों के साथ ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के आवाज़ बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है, मैं पहले खुद भी कीर्तन करती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक मतलब कहते हैं ना दिल को इतना टच करने वाली चीज़ होती है, पर वो बहुत अच्छे लगते हैं। और आज 12 साल में मेरी शादी को 12 साल हो गए, मैंने शादी के बाद पहली बार कोई चौंकी लगा लो या कोई कीर्तन मैंने अटेंड किया, और मेरा सच्ची बताऊँ तो मेरी रूह खुश हो गई। नहीं रुको रुको, रोए भी थे मैं देखा, मैं करूँगा, आप रोए थे वो वाले भजन पे, तूने मुझे बुलाया शेरा, मैंने देखा ना सीरियसली यार, सीरियसली मेरे को दिल से मैं बहुत खुश हूँ। तो अभी हम आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग, टाटा बाय बाय।